एक बेईमान व्यापारी कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही अपना माल बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। एक किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम वह तौलता है? यह क्वेश्चन बनाना है तो आपका फॉर्मूला कहता है लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। एक किलोग्राम पर कितना नापता है, यह वस्तु निकालना है। 1000 ग्राम इसका जो है सेल होना चाहिए, लेकिन नाप रहा है कितना नहीं जानते हैं। तो मान लीजिए कि लाभ को मान लेते हैं लाभ बराबर एक्स, यह हो गया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हो गया 1000 ग्राम। तो लाभ परसेंट 25% लाभ कमा रहा है, तो 25 लाभ कितना हो रहा है नहीं जानते, एक्स मान लेते हैं इसे गुना 100। जब 1000 ग्राम में आप जो है एक्स को घटाएंगे, लाभ को घटाएंगे, तो वही क्रय मूल्य हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा वही। 1000 में एक्स को घटा दिए तो इसे जाके इधर गुना कर देंगे तो 25000 हो जाएगा माइनस 25x, इसको जाके इसमें गुना कर दिए, 25 को फिर एक्स गुना 25x, 100 गुना x 100x, इसको माइनस में करा के प्लस हो जाएगा, तो 25 + 100 कितना हो गया 125x, इधर हो गया 25000। तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा 200। एक्स बराबर क्या निकला 200 ग्राम। जब 200 ग्राम ये प्रॉफिट कमा रहा है तो वजन कितना नाप रहा है, 1000 ग्राम पर 200 ग्राम प्रॉफिट कमा रहा है, तो 200 ग्राम जब घटा देंगे तो यह 800 ग्राम क्या निकालेगा, वजन गलत 800 ग्राम तौलेगा। ये हो गया आपका आंसर 800 ग्राम। तो नेक्स्ट जो तरीका इसे फिर बनाने का दूसरा तरीका इसे बनाने का यह है कि कोई वस्तु 25% ठग रहा है, 25% या रुपया में ठग रहा है, तो वस्तु में कितना ग्राम ठग रहा है, 20% ठगेगा। अगर कोई वस्तु 25% ठग रहा है रुपया में, तो वस्तु में कितना परसेंट ठगेगा, तो 20% ठगेगा, तो यह जो है 100% के जगह पर या कितना परसेंट हुआ बेचेगा, 100 की जगह पर 800 ग्राम नापेगा तो 20% का प्रॉफिट होगा, 20%। तो 1000 ग्राम की जगह पर कितना नापेगा, जो कि 20% का प्रॉफिट होगा, तो 800 ग्राम नापेगा, इसे 200 ग्राम का प्रॉफिट होगा। या कितना गुना है, 10 गुना है, इधर से 10 से गुना कर दीजिए तो 800 ग्राम हो जाएगा। जितना ही गुना है, जितना इधर की साइड गुना है, उतना से इधर भी गुना करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि 800 ग्राम का गलत तौलेगा तो आप उसे जो है 200 ग्राम का प्रॉफिट होगा। तीसरा जो तरीका है इसे बनाने का, थर्ड जो मेथड है बनाने का, आप तीसरा तरीका से भी इसे बना सकते हैं। थर्ड तरीका क्या है कि 25% प्रॉफिट कमा रहा है, तो 100 की जगह पर 125% प्रॉफिट कमाया तो 125 हो गया, और 100% जो है किसी को देना है, तो 125 जगह पर 100 दे रहा है, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1000 ग्राम की जगह पर कितना देगा, या कितना गुना है, या 8 गुना है, जब इसे 8 से गुना कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 800 ग्राम नापेगा। 125 की जगह पर 100 नाप रहा है, 1000 की जगह पर कितना नापेगा, 800 ग्राम नापेगा। 125 की जगह पर 100 ग्राम नाप रहा है, 100% नाप रहा है, 125% की जगह पर 100% नाप रहा है, 1000 की जगह पर कितना नापेगा, 800 ग्राम नापेगा। तो इस तरीके यह भी एक तरीका है बनाने का। थैंक यू दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक पुस्तक का 80 रुपया, दूसरा का भी 80 रुपया दाम है, 80 रुपया प्रत्येक पुस्तक का दाम है, मैं खरीदता है, एक पुस्तक को बेचने पर 15% का लाभ होता है, तथा दूसरी पुस्तक को बेचने पर 15% की हानि होता है, 15% की हानि होता है, उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? तो दोस्तों, एक पुस्तक है 80 रुपया, फिर दूसरा पुस्तक है 80 रुपया, इस पे जो है 15% का लाभ होता है और इसका जो है 15% का हानि होता है। तो दोनों पुस्तक का जब क्रय मूल्य सेम है, तो इस पे जो लाभ हुआ तो इस पे आकर के हानि हो गया, तो बाद में दोनों मिलकर के क्या हो गया, कुछ नहीं, 0% के लाभ होगा, ना तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। कैसे, तो मान लीजिए इसका 15% जो है, अब इसको सोल्व करके मैं बता रहा हूं कि कैसे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो लाभ मेथड से कैसे बनाते हैं, दो पुस्तक का दाम 80-80 कितना हो गया, 160 रुपया हो गया, इस पे 15% का लाभ हुआ, कितना परसेंट का लाभ हुआ, 15% का प्रॉफिट हुआ, ये हो गया सीपी। तो एसपी कितना हो गया, ये हो गया सीपी,
ये प्रॉफिट हो गया, तो एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 15/20 से 120 रुपया। अब फिर इसका जो 15% हानि हुआ, ये लॉस हो गया 15%, तो इसका जो है कितना हो गया, एसपी इसका जो हो जाएगा 115, तो 8 से 8 पचे 40, 8 4 12 के 2 8 वस्तु का कीमत है 80 रुपया, सीपी 80 रुपया प्लस सीपी 80 रुपया, कितना हो गया टोटल सीपी करें मुझे 160 रुपया हो गया। 15% के लाभ हुआ इस पे, तो 80 का 15% यानी कि 115% लाभ हो गया, तो कितना हो गया इसको 15/20 से 8 पचे 40 की 8 4 12 2 और ये हो गया 8 देख लो, यानी कि 2 0 कट गया परसेंटेज से, तो 92 रुपया हो गया। इस पे 15% का हानि होता है, 15% हानि तो इसो में 15 माइनस हो गया, कितना बच गया 85%। 85% का जो गुना करें 8 पचे 40 के 0 8 64 4 68 68 ये 0% है, तो परसेंट से कट गया, कितना बचा 68 रुपया। दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, 8 2 10 के 0 और 9 6 15 1 16, सीपी 160 रुपया और एसपी क्या हो गया 160 रुपया। दोनों को घटाएंगे क्या होगा, लाभ परसेंट जो होगा 0 होगा, 0% का लाभ होगा, ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। थैंक यू।